दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं हम आयुर्वेद योग की, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा दही बनाने की अलग अलग विधियों एवं उसके गुण धर्म के बारे में। आयुर्वेद इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि एक ही द्रव्य को अलग अलग विधियों द्वारा बनाए जाने पर एवं अलग अलग अनुपान के साथ इसके गुण धर्म बदल जाते हैं। यही दही में भी दिखाई देता है। दूध को पकाकर उबालकर बनाया गया दही खाने में रुचिकर, स्निग्ध चिकनाई गुणों में उत्तम, पित्त रोग तथा वात रोग नाशक, सभी धातुओं को बढ़ाने वाला, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एवं शुक्र अग्नि तथा बलवर्धक होता है। मक्खन निकाले स्नेह दही के गुण। मक्खन निकालकर जमाए गए दही को महर्षि सुश्रुत ने रूक्ष रूखा संगरणीय बात कारक अग्निदीपक कषाय रस युक्त रुचिदायक बताया है। वस्तु से छाने दही के गुण। महर्षि सुश्रुत ने दही को वस्तु से छान लेने पर वात रोग नाशक कफ कारक स्निग्ध ब्रहण भोजन में रुचि पैदा करने वाला तथा अल्प मात्रा में पित्तवर्धक बताया है। दधिसर यानी दही के ऊपर का स्नेह युक्त भाग मलाई को दधिसर कहलाता है। यह भारी गुरु शुक्रवर्धक वात नाशक अग्निनाशक एवं कफवर्धक है। दधिमस्तु भाव प्रकाश के अनुसार दधनो मंडस्तु मस्तित्व अर्थात दही के पानी मांड को मस्तु कहा जाता है। इस दही को तोड़ भी कहते हैं। यहाँ थकावट को दूर करने वाला, शक्ति देने वाला, हल्का लघु भोजन में रुचि करने वाला, स्रोत शोधक, कफ प्यास एवं वात नाशक, अल्प मात्रा में वीर्यवर्धक, शीघ्र संचित मल भेदक है। मिश्री शक्कर युक्त दही के गुण यहाँ सर्वोत्तम माना गया है। प्यास पित्त रक्त विकार एवं दाह जलन शामक होता है। गुड़ युक्त दही के गुण यह दही गुरु भारी वात नाशक वीर्यवर्धक ब्रहण शरीर को मोटा बनाने वाला एवं तृप्त कारक है। सभी आचार्यों ने दही का प्रयोग बसंत गर्मी एवं शरद ऋतु में खाने को मना किया गया है। हेमंत शिशिर तथा वर्षा ऋतु में दही का प्रयोग करना उत्तम माना गया है। यदि दही का प्रयोग बिना सोचे समझे किया जाए तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है, जैसे बुखार रक्तपित्त विसर्प एलर्जी कुष्ठ त्वचा रोग कंडु खून पांडु खून की कमी भ्रम तथा तीव्र प्रकार का कामला रोग ग्रसित हो जाता है।